बाप पहले पहले ही आकर के ज्ञान देते हैं कि पाप का मूल अर्थात बाप है देह अभिमान। मैं देह अभिमानी नहीं बनता हूं, माने आत्माओं का जो बाप है वो देह अभिमानी नहीं बनता, बल शरीर में आता है, रामकृष्ण के शरीर में प्रवेश करता है, कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले में प्रवेश करता है, ब्रह्मा नाम देता है, उसके द्वारा भी तो पाप करने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्रह्मा से पैदा हुआ वो आज तक ऐसा कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं मिला, चाहे वो कुखवंशावली हो चाहे मुखवंशावली हो, जो ये कहे कि ब्रह्मा ने हमको दुख दिया, ब्रह्मा ने हमको टेढ़ी नजर से देखा, ब्रह्मा ने हमको अशांति पैदा कर दी, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा। तो मां का जो पार्ट है वो ब्रह्मा के रूप में परमात्मा शिव ने बखूबी निभाया, लेकिन होता क्या है कि बच्चे दो तरह के होते हैं, एक कुछ आत्मा ऐसी होती है कि उन्हें कितनी भी पढ़ाई पढ़ाई जाए तो वे अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आई है, तो जल्दी अपने देहभान को छोड़ नहीं पाती, न छोड़ पाने के कारण वो आत्मिक स्थिति में टिकी ही नहीं पाती। और कुछ आत्मा ऐसी है जो परमात्मा का ज्ञान मिलने के तुरंत बाद उस स्थिति में टिकना आरंभ कर देती है, वो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माएं, जो सृष्टि की आज में फाउंडेशन डालने वाली बनती है। ज्ञान सूर्य शिव, वो राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है पहले पहले, इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैंने पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया, वो सूर्यवंशी राम वाली आत्मा वो बीज है मनुष्य सृष्टि का, वो बीज ऐसे नहीं है कि जैसे शिव है, शिव को तो जन्म मरण का चक्र लगता है, लगता नहीं है, और राम वाली आत्मा को जन्म मरण का चक्र लगता है। राम बीज है और उससे जो पहला पत्ता पैदा होता है वो कृष्ण की सोल है, उसको भी जन्म मरण का चक्र लगता है, तो राम कृष्ण जैसी जो आत्माएं हैं उनको भी जन्म मरण का चक्र लगता है, देह अभिमान में आती है, देह में बंधते बंधते देह के सुख भोगते भोगते नीचे गिरती जाती है, तो और दुनिया की कोई आत्मा कैसे बच सकती है।